शाहरुख खान के बारे में कुछ इम्तियाज अली को पूछा था, इम्तियाज अली ने बोला था कि ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांजिशनल फेज राइट नाउ एंड आई फील दैट आफ्टर फैन, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ना, आई विल टेल यू द होल थिंग। तीन एक साल पहले ना दिसंबर में ने तीन ट्रेलर आए थे एक साथ, आई गेस 50th बर्थडे था शाहरुख खान का तो ऐसा कुछ था, और सडनली तीन ट्रेलर लॉन्च हो गए, एक था दिलवाले, दूसरा था रईस और तीसरा था फैन। तो आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट फैन। तो यू कैन सी दिलवाले इज लाइक कंप्लीट कमर्शियल मसाला फिल्म, ठीक है, रईस इज लाइक अ कैरेक्टर प्ले एंड फैन इज लाइक अ एक्सपेरिमेंटल फिल्म। तो आई वॉज लाइक अरे ये बस सॉलिड कुछ हो रहा है, लेकिन लाइक ऑपोजिट हो गया। अरे दिलवाले मतलब ट्रेलर देख के मेरे को समझ में आ गया था कि मैं देखने वाला हूँ नहीं, जो सबसे ज़्यादा चली। रईस आई वॉज होप मतलब आई वॉज नॉट श्योर कि कैसी होगी। थर्ड चीज फैन, आई वॉज लाइक अरे यार ये बहुत सही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड से एक ही चीज में पीछे है अभी देखा जाए तो, वो है VFX एंड उसमें बहुत सॉलिड काम कर रहा है। मतलब फैन के स्पेशल इफेक्ट दे वर लाइक माइंड ब्लोइंग, इवन हॉलीवुड लेवल पे दे वर फ्लॉलेस एकदम। तो उसका स्किन टेक्सचर ये वो, रेड चिलीज ने बहुत सॉलिड काम किया उसके प्रोडक्शन को पकड़ दिया। बट फैन फेल हो गए यार, ऐसा कुछ हुआ था कि लाइक फैन रिलीज हो गई थी कुछ 14 February को एंड आई वॉज लाइक आराम से देखूंगा, ये तो शाहरुख खान की फिल्म है तो बहुत चलेगी। और सैराइड रिलीज हो गई रे, और सैराइड इतनी चली कि लाइक फैन उतर गई और मैं बहुत पछता रहा था जब मैंने घर पे देखी ना फैन। देन आफ्टर दैट आई स्लोली रियलाइज कि फैन ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, लाइक पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दी शाहरुख खान इन दीज रोल्स, जिसमें शाहरुख खान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, लाइक ही वॉन्ट्स टू डू सम रिवॉल्यूशनरी थिंग इन बॉलीवुड। और बाद में इफ यू सी जीरो, नो वन वॉज लाइक एक्साइटेड टू सी, आई कुडंट बिलीव, आई फाउंड एवरीथिंग हीरो में एवरीथिंग इज देयर, मसाला है, कैरेक्टर है, लाइक इनोवेशन है, एवरीथिंग इज देयर, बट समहाउ नथिंग जेल्स मैन। बट फिर भी फनी थिंग इज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, लेकिन फिर भी मैंने जीरो सेकंड टाइम देखी जस्ट फॉर द VFX, क्योंकि इतने सॉलिड VFX है ना उसमें, माइंड ब्लोइंग है, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग फॉर द बॉलीवुड। देर आर ऑल द लाइक अबाउट एनी पर्टिकुलर फिल्म, लेकिन समहाउ दे डिडंट जेल। वो बौना कैरेक्टर है, वो बौना काफी बाकी सारे बच्चों के साथ जो उसके हाइट के है उनके साथ डांस करता है। देन देर इज अ शॉर्ट जिसमें कतरीना कैफ के साथ उसकी हाथापाई होती है, तो इमेजिन VFX में हाउ डिफिकल्ट दैट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर चेंजिंग द कैमरा, यू आर नॉट एक स्टेडी कैमरा नहीं, इधर उधर जा रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा है, देन वो इंटरैक्ट हो रहा है कतरीना कैफ के साथ जो लंबी है 6 feet और ये है 4 feet या 3.5 feet का कुछ के लाइक बदन पे जा रहा है और हाथापाई हो रही है। सो देन आगे जाके एक फिल्म में एक एंटी ग्रेविटी पॉड दिखाया है जिसमें वो फ्लोट होता है, हाउ कॉम्प्लिकेटेड दैट इज। उसमें दिख रहा है कि उनका काफी सारा ध्यान VFX पे गया है, बट देर आर सो मेनी आइडियाज इन दैट फिल्म, बट आई फेल्ड यार कहीं पे वो फिल्म बहुत ज्यादा फेल हो गई। यू हैव टू गिव इट टू शाहरुख खान की वो जो भी कर रहा है, मतलब ऑल द अदर स्टार्स आर टेकिंग सेफ, बींग अ शाहरुख खान ही हैज टू मेंटेन हिज स्टारडम, और उसके पास ज्यादा साल नहीं है अभी, 5 years डाउन द लाइन ही वोंट बी एबल टू प्रॉबली लाइक बी हीरो, बट ही ट्राइड टू डू समथिंग अमेजिंग VFX में। दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू, फैन में प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज लाइक 20 years old और वो बहुत कन्विंसिंगली किया, मतलब देन जीरो में बौना करना और साइड में ये रोल करना जब हैरी मेट सेज है, जिसमें आई मीन आई काइंड ऑफ नो कि वाई दैट फेल्ड, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम इन नॉर्मल रोल्स, ही इज अ मच बिगर स्टार देन ही इज एन एक्टर। जो गौरव का रोल किया उसने, जो 20 year old फैन रहता है उसके बारे में काफी लोग बोलते हैं कि काफी बोलने के लिए है, बट उस पर एक्चुअली ऑब्जर्व आर्यन वाला जो है जो स्टार रहता है, एंड सी ही हैज डन सम, ही हैज टेकन सम रियली ब्रेव चॉइसेस। मतलब शाहरुख खान एक्चुअल में, शाहरुख खान शादियों में नाचता है वही सीन में भी है, दैट इज अ रियल थिंग। एंड फिर उसमें बताया गया कि वहाँ पे कैसे उसको ह्यूमिलेट किया जा सकता है स्टार होके भी अगर वो लेट आता है तो, और वो सब चीजें। आई फील लाइक कि फैन इज अ वेरी पर्सनल फिल्म, कि बिकॉज वो स्टार होने की वजह से ही मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद सम वियर्ड फैंस, और ऊपर दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग जब वो इंटरोगेशन को जेल में जाके कैन सी की निगेटिव शेड्स इन शाहरुख खान। आई विल से फैन डेफिनेटली देखना, जीरो से जीरो एक्सपेक्टेशन रखना तभी प्रॉब्ली यू विल लाइक इट इन पार्ट्स। एज अ क्रिटिक आई सीरियसली फेल, आई डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दैट फिल्म इज लाइक लाइकेबल एंड विच आई अप्रिशिएट एज एन क्रिटिक, जो भी डिसीजन लिए ना, लेकिन समहाउ वो सूप ना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन मतलब
फिर यू डोंट अंडरस्टैंड ये एक्सेप्शनली अच्छा क्यों नहीं बना। वैसा कुछ होता है रे जीरो में, जीरो में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मसाला चीज़ें हैं, एवरी वन शुड हैव लाइक्ड इट बट नोबडी लाइक्ड इट। आई विल नॉट सजेस्ट कि हीरो से कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना, फैन से यू कैन कीप लिटिल बिट एक्सपेक्टेशन, ये फैन माइट सरप्राइज यू बट वन थिंग विल डेफिनेटली यू विल लाइक इन बोथ द फिल्म्स, द अमाउंट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, मतलब नो वन कैन टच इट इन बॉलीवुड। लाइक बाहुबली अगर 20 साल पुराने लगते हैं उसके सामने, बट बाहुबली अगेन इज अ डिफरेंट बीस्ट। बट इमेजिन, आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, लाइक इमेजिन राजमौली सर का डायरेक्टर, देन रेड चिलीज जैसे प्रोडक्शन, नागराज मंजोय जैसी कोई तो स्टोरी, ये जब सब एक साथ अगर कुछ ऐसा बनेगा ना तो क्या बनेगा यार। आई मीन अगले कुछ सालों में वी कैन सी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑस्कर एंट्री, बट आई एम वरीड कि आफ्टर दिस फेल्यूर्स लाइक फैन जीरो, जब हैरी मेट सेजल, विल ही कंटिन्यू, मतलब ही कांट गो बैक टू हीरोइक रोल्स फॉर लाइक मच लॉन्गर, इज नॉट रजनीकांत, और वो जमाना भी गया, देयर वोंट बी एनी स्टार इन फ्यूचर। आई एम रियली ड्रिंक यू आगे क्या करेगा मैं, लाइक ट्रांजिशन पीरियड में है इसका एक्चुअल, जो इम्तियाज ने बोला था द मीनिंग मस्ट बी लाइक हिज ओन ट्रांजिशन, वॉट ही वॉन्ट टू डू नाउ, की मेंटेलिटी लाइक वॉट ही वॉन्ट्स टू डू नाउ, लाइक ही माइट हैव टू चेंज दैट।